सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिव्यू करें इस नेक्सा की, इस मारुति सुजुकी नेक्सा की इन विक्टो का, जो कि लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको फाइनेंस डिटेल्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले इसके फ्रंट की तरफ आते हैं, तो इसमें जो हेडलैम्प मिलता है आपको, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है इसमें आपको। और यहाँ पे क्रोम फिनिश दे रखा है पूरा ग्रिल पे, यहाँ पे क्रोम फिनिश पूरा मिल जाता है, क्रोम एंड ब्लैक फिनिश पूरा ग्रिल पे देखने को मिल जाता है सुजुकी के बैजिंग के साथ। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सिल्वर फिनिश भी देखने को मिलेगा फॉग लैंप की तरफ। तो इसके साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो इसमें आपको 185mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस 185mm का मिल जाता है इसमें। तो बाय द वे ये 7 सीटर है। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अलवाई कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि डायमंड का टाइप में सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में दे रखा है। अपोलो का टायर मिल जाता है। ORBM की बात करें तो बॉडी कलर का मिल जाता है, बिट इंडिकेटर मिल जाता है, और क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाता है इसमें, क्रोम यूज किया गया है। तो बैक पे, बैक के प्रोफाइल पे आते हैं तो बैक से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाय द वे ये इनविक्टो का, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है वेरिएंट। यहाँ पे आते हैं तो क्रोम मिल जाता है पूरा, यहाँ पे यहाँ तक रियर वाइपर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सार्फिन मिल जाता है, एंटीना नहीं मिलता है। और यहाँ पे ब्लैक फिनिश पूरा दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि नीचे की तरफ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इनविक्टो की बैजिंग मिल जाती है पूरा क्रोम फिनिश में, इनविक्टो की बैजिंग मिल जाती है। और लाइट भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है इसका, जो रियर लाइट है देख सकते हैं आप। तो अभी इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और फाइनेंस डिटेल्स वगैरह के बाद हम बात करते हैं, गाड़ी का फिर डिटेल रिव्यू करते हैं। सो गाइस, इसका आप मिनिमम डाउन पेमेंट 5 लाख कर सकते हैं इस इनविक्टो का, जो कि ये अल्फा मॉडल है 2.0 लीटर का। तो यहाँ पे आते हैं तो इसका जो मॉडल देख सकते हैं आप, इसका मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा प्राइस लिस्ट का, मतलब चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मारुति इनविक्टो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा है ये, अल्फा प्लस 2.0 लीटर CVT 7 सीटर। तो यहाँ पे इसके ऑन रोड प्राइस की तरफ आते हैं तो इसका जो ऑन रोड पड़ जाता है आपको 33,44,645 पड़ जाता है ये गाड़ी का, जिसका आप मिनिमम डाउन पेमेंट 5 लाख कर सकते हैं, जो कि ये लोकेशन देख सकते हैं आपको, ये श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड नेक्सा बेफास्ट का, इसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस लिस्ट वगैरह पूरा दिया हुआ है, तो पॉज करके देख सकते हैं, और मैं ये प्राइस लिस्ट का फ़ोटो भी डाल दूंगा ये इनविक्टो का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल कुछ ऐसा है, जो कि मारुति इनविक्टो स्मार्ट हाइब्रिड है, जेटा है, अल्फा है, और जेटा 2.0 लीटर का है ये, 7 सीटर 8 सीटर दोनों है। तो इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप 5 लाख कर सकते हैं, और इसका फाइनेंस आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, अगर अच्छा प्रोफाइल है तो 5 लाख में फाइनेंस हो जाएगा, अगर प्रोफाइल एंड सिविल बढ़िया है इसको, अच्छा है तो आपका। तो वैसे आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, सनरूफ के कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। तो और यहाँ जो लाइट मिलता है वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है लाइट, जो है आपको, जो कि हैलोजन मिलता है, LED नहीं मिलता, तो इसे थोड़ा अपग्रेड कर देना चाहिए था, हैलोजन मिल जाता है लेकिन LED देखने को नहीं मिलता है। और सनवाइजर पे आते हैं तो यहाँ पे जो सनवाइजर मिलता है, इसमें आपको एक मिरर मिल जाता है, यहाँ पे मिरर मिल जाता है लाइट के साथ आपको सनवाइजर पे, इधर वाले सनवाइजर पे। और यहाँ ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है यहाँ पे जस्ट। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी सेम आपको ये मिरर मिल जाता है, मिरर विथ लाइट मिल जाता है आपको यहाँ पे जस्ट, इधर वाले सनवाइजर पे भी। तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया इस गाड़ी का। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो बाय द वे ऑटोमेटिक वर्जन है देख सकते हैं आप, तो यहाँ शिफ्टर दे रखा है मैनुअल में करने के लिए, मतलब मैनुअल करेंगे तो यहाँ से अपना सीट वगैरह कर सकते हैं आप। तो स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टील्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, स्टेयरिंग का जो एडजस्टमेंट है टील्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिल जाता है, जो स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट है। और इधर की तरफ आते हैं तो सीट का एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिक दे रखा है, तो सीट का एडजस्टमेंट की बात करें तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, जो कि मूवेबल है, मैनुअली आपको नहीं करना पड़ेगा। और सीट का हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये डोर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, और ORBM का फोल्ड एंड फोल्ड जो है आपको इसमें ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, ORBM का जो फोल्ड एंड फोल्ड है ऑटोमेटिक मिल जाता है, ORBM का जो फोल्ड एंड फोल्ड है। यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है, वाइपर रिलेटेड कंट्रोल यहाँ दे रखा है आपको, यहाँ पे सुजुकी का बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश दे रखा है। गियर बॉक्स की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक वर्जन है, तो ऐसा मिल जाता है इसका जो गियर बॉक्स है,
तो भाई साहब इसमें व्यू का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि आप सिंपली कहीं गाड़ी को पार्क करें तो व्यू अपना दे सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आते तो यहाँ पे होल्ड का ड्राइव मोड भी मिल जाता है इसमें, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ड्राइव मोड ट्रैक्शन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ईवी मोड भी दे रखा है कुछ। एसी वेंट की तरफ आते तो ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है आपको, जो कि एसी वेंट सिल्वर फिनिश में दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो रियर मिल जाता है, फ्रंट रियर डिफॉगर मिल जाता है, और एसी कुछ ऐसा इसका दे रखा है, और इसका जो एसी वेंट है वो आपको ये क्रोम फिनिश दे रखा है पूरा। थोड़ा इधर आते हैं तो ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हैं आप, तो ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है, तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है आपको। और यहाँ थोड़ा ये स्टोरेज दे रखा है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कुछ रखने के लिए स्टोरेज दे रखा है जस्ट को पैसेंजर के साइड। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे जस्ट चार्ज करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, जो कि लाइटिंग केबल और यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे गोल्डन गोल्डन एंड ब्लैक फिनिश पूरा दे रखा है यहाँ पे कप होल्डर्स के पास। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा आर्मरेस्ट दे रखा है, जो कि डिफरेंट तरीका से खुलता है, एक बड़ा आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप, जो कि ऐसे जस्ट खुल जाता है। तो आर्मरेस्ट में स्पेस वगैरह की बात करें, आर्मरेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर स्पेस है इसके आर्मरेस्ट में, तो स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा, गोल्डन मेटेलिक सिल्वर फिनिश का इसका डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाता है आपको। तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है गाइस, अकॉर्डिंग टू 7 सीटर कार, बहुत कंपटीशन है इसका। तो सो गाइस आ चुके हैं अभी सेकंड रो में, तो सेकंड रो से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। बाय द वे इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आते हैं तो रियर एसी इवेंट यहाँ मिल जाता है इसका, यहाँ पे लाइट दे रखा है, जो कि हेलोजन दे रखा है यहाँ पे, जो लाइट है वो हेलोजन मिल जाता है ग्रैब हैंडल्स के जस्ट बगल में, और यहाँ एसी इवेंट दे रखा है। तो यहाँ पे भी रियर एसी इवेंट इधर मिल जाता है इसका, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये कंट्रोल है एसी का, जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है आपका। और यहाँ चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है सेकंड रो में नीचे की तरफ यहाँ पे। और स्पेस वगैरह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर स्पेस है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें, और पैनोरामिक सनरूफ की वजह से गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा मतलब बेटर लगता है। तो ये सीट डिवाइडेड है पीछे की तरफ, देख सकते हैं आप, पीछे की तरफ जाने का रास्ता यहाँ से है, तो सीट को फोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं अपना यहाँ से। ग्रैब हैंडल्स उधर भी मिल जाता है लाइट के साथ, जस्ट हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे। और स्पेस वगैरह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस है इस गाड़ी में, मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं है। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सनसेट एक कर्टन दे रखा है यहाँ पे, जो कि सन से प्रोटेक्ट करेगा आपको सनलाइट वगैरह से। यहाँ पे आते हैं तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम मिल जाता है, और यहाँ पे गोल्डन मेटेलिक टाइप का पूरा फिनिश दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आते तो विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है अप एंड डाउन का यहाँ पे, और स्पेस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। और सीट्स की बात करें तो पूरा ब्लैक एंड थोड़ा थोड़ा गोल्डन मेटेलिक फिनिश का यूज़ किया गया इस गाड़ी में, तो सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका, इस गाड़ी का। तो इसके पावर फेयर की बात कर लेते हैं अब। सो गाइस बीएचपी की बात करें तो इसमें जो बीएचपी मिलता है आपको 150 BHP देखने को मिल जाता है मैक्स टॉर्क के साथ। और इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 52 लीटर का मिल जाता है। तो अभी 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और 150 BHP देखने को मिल जाता है। तो अभी इसके चलते हैं सबसे लास्ट के रो में, मतलब थर्ड रो में चलते हैं और स्पेस बताते हैं कैसा है। तो थर्ड रो में आ चुके हैं, तो बाय द वे 7 सीटर है, तो थर्ड रो से कुछ ऐसा लुक पड़ा गाड़ी का। तो सीट्स को अपना एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो थर्ड रो में स्पेस वगैरह कुछ ऐसा है, और थर्ड रो से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है जस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे कप होल्डर्स का स्पेस दे रखा है यहाँ पे, अपना कुछ बोतल वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की तरफ। और यहाँ पर भी बोतल होल्डर मिल जाता है इस तरफ भी, तो स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इनविक्टो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। और यहाँ एक पार्सल, यहाँ पे बूट में कुछ ऐसा स्पेस बचता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 7 सीटर इसलिए कम स्पेस बचता है, सीट्स को फोल्ड करने के बाद स्पेस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हेलोजन बल्ब मिल जाता है आपको, यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल जाता है पीछे की तरफ। तो अभी इसके बूट स्पेस की तरफ चलेंगे। तो इसमें जो स्पेस बचता है वो 239 लीटर का बचता है, बिकॉज अभी सीट्स के कारण 239 लीटर का स्पेस बचता है ये सीट के कारण। और यहाँ आपको इसका कुछ ऐसा दे रखा है, जो कि कुछ अपना इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो 239 लीटर का बचता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सीट्स आ जाता है ना इसलिए।
यहाँ पे सीट्स आ जाता है, इसके वजह से 239 लीटर का स्पेस बचता है। तो इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो कुजासे पे में आप इसे फोल्ड कर सकते हैं इसके सीट्स को, क्योंकि ऐसे फोल्ड होता है इसका जो सीट्स है। तो ऐसे करने पे ज़्यादा स्पेस हो जाएगा अपना। फिर कुछ इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं ये सीट्स को फोल्ड करने के बाद। दोनों सीट्स फोल्ड होता है बाय द वे ऐसे इस पे में। तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे जस्ट पुल करके आप ऊपर कर सकते हैं। तो स्पेस बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कुछ पार्सल रखने के लिए। तो 239 लीटर का ऐसे स्पेस बचता है सीट्स को ओपन करने के बाद।